खुशी फैशन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। 24 कमर के हिसाब से लेडीज पैंट का कटिंग, तो यहाँ पर ये हमारे पास दो स्केल है, एक छोटी है और एक बड़ी है, और हमारे पास पेन है। तो यहाँ पर पेन की जगह पर आप अगर कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं तो चोक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे, तो ये जो एक मार्किंग करेंगे वो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, और यहाँ पर एक इंच हम बेल्ट का अलग से निकालेंगे। अगर बेल्ट हमारा ज़्यादा चौड़ा है तो वही हिसाब से यहाँ से हम एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी अगर हम जो है वो एक इंच का बेल्ट रखते हैं तो यहाँ पर एक इंच का बेल्ट का माइनस करेंगे और यहाँ से हम 36 पर एक मार्किंग करेंगे। तो 36 पर हमने एक मार्किंग किया है, वो एक 38 पर किया है, तो ये दोनों मार्किंग हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम हिप का मेजरमेंट निकालेंगे, तो इसकी जो हिप्स है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो आसन है उसका हम मेजरमेंट निकालते हैं। तो इसकी जो हिप्स है वो 32 है, तो उसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, यानी 8 इंच का इसका आसन होगा। तो यहाँ पर एक इंच बेल्ट के लिए इस तरीके से हम ऊपर से माइनस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पर एक मार्किंग कर लिया है, उसके बाद हम घुटन का जो है वो मार्किंग करेंगे। तो ये जो छोटा माप है वो हिसाब से इसके जो घुटन है वो 20 पर आएगा, और यहाँ पर हम इस तरीके से ये जो लाइन है वो स्ट्रेट करेंगे। और इसके बाद हम सबसे पहले हम कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो ये जो कमर है इसकी 24 इंच है, तो 24 के हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कमर जितनी है उसका हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर 6 इंच आएगा, तो 6 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 1 इंच यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा रखेंगे, और उसके बाद दोनों ही तरफ सिलाई आएगी तो सिलाई के हिसाब से आधा इंच और प्लस करेंगे, तो वो हिसाब से यहाँ पर हमें मार्किंग करना है। और इसके बाद यहाँ पर जो है वो थाई आएगी, तो थाई का जो मेजरमेंट है वो रेडी है, तो 20 की थाई है तो यहाँ पर हम 10 इंच आएगा, और यहाँ पर हम 1.5 इंच का ये जो आसन का राउंड होगा वो 1.5 इंच का होगा, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच रख दिया है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो सारे मार्किंग किए हुए वो सारे के सारे मार्किंग हम मिला लेंगे, तो यहाँ पर हम घुटन के जो है वो यहाँ पर मार्किंग करेंगे, लेकिन डायरेक्ट इस तरीके से हम मार्किंग नहीं करेंगे। अगर घुटना इसका 14 का है तो यहाँ पर 7 रख के डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग नहीं होगा, तो इसके जो घुटन का मार्किंग होगा वो कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो मार्किंग है वो हम मिला लेंगे, तो ये जो आसन के हिसाब से मार्किंग है वो हमने मिला लिया है, और यहाँ से ये जो भाग है वहाँ पर राउंड आएगा, तो इस तरीके से हम राउंड शेप देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम देख लेंगे, तो यहाँ पर इसकी जो थाई है 20 इंच की है, तो यहाँ पर 10 आएगा, तो यहाँ पर 5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे भी 10 रख के 5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पर एक कट लगा देंगे ताकि हम जब भी सिलाई करें तब हम पता चले कि टक्स यहाँ पर हमें लेना है। तो ये जो टक्स है वो मेजरमेंट छोटा है वो हिसाब से यहाँ पर 3 इंच पर हम टक्स लेंगे, ज़्यादा बड़ा टक्स यहाँ पर हम नहीं लेंगे। और अब यहाँ पर घुटना का जो माप मेजरमेंट है वो यहाँ पर सबसे पहले 10 इंच यहाँ पर रखेंगे, तो मिडल निकालेंगे, तो ये जो है वो मिडल हो गया। मिडल करने के बाद जितने भी इसका जो घुटना है वो हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पर 14 इंच है तो 3.5 इस तरफ होगा और 3.5 इस तरफ होगा, तो इसमें कहीं पे भी हमें लूजिंग का कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। और इसके बाद बॉटम जो है मोरी वो भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर 11 की है तो 3.5 इंच यहाँ पर और 5.5 इंच टोटल मोरी होगी,
तो इसमें जो लूजिंग का है वो कहीं पे भी हमें नहीं छोड़ना है। तो बैक साइड हम कटिंग करेंगे उसमें लूजिंग का जो है वो हम उसमें निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट साइड में कहीं पे भी लूजिंग का नहीं छोड़ना है और सिलाई का भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है, तो वो हमें खास ध्यान रखना है। तो जो भी मेजरमेंट हमारे पास है वो मेजरमेंट से यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। तो ये फ्रंट साइड है वो हमने कम्प्लीटली कटिंग कर ली है। तो ये आगे वाला भाग है वो परफेक्टली हमने कटिंग किया हुआ है। तो अब हम बैक साइड कटिंग करेंगे। तो बैक साइड के लिए ये जो कपड़ा है, जितना भी हमारे पास कपड़ा है उतना यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, 2.5 इंच जितना, 2.5 से 3.25 इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे बैक साइड में। ये जो मेजरमेंट है वो पेंट है वो थोड़ा छोटा है, तो छोटा मेजरमेंट होने के कारण हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है, वरना अगर बड़ा मेजरमेंट हो तो वहाँ पर 3 से 4 इंच पर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और यहाँ पर जो लूजिंग का कपड़ा है वो सारा का सारा हम इस तरफ रखेंगे और ये जो साइड है यहाँ पर फिक्स टू फिक्स कटिंग करेंगे। यहाँ पर कोई भी लूजिंग का कहीं पर भी हमें नहीं देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो मार्किंग है उससे मिला लेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये जो ये वाला जो भाग है वहाँ से बराबर रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस एक मार्किंग करेंगे। तो बैक साइड हमेशा पेंट होता है उसमें हिप्स के अकॉर्डिंग बड़ा होता है, तो यहाँ पर 2.5 से 3 इंच का फर्क होगा। तो हमने ये 2.25 इंच जितना रखा है क्योंकि ये मेजरमेंट थोड़ा छोटा है, वो हिसाब से थोड़ा लूजिंग कम देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम 1.5 इंच का ये जो भाग है वो हम एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि इसमें सिलाई का भी आ जाएगा और लूजिंग का भी यहाँ पर परफेक्टली आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 1.5 इंच पर हमने सारे के सारे मार्किंग कर लेने हैं। तो ये जो मार्किंग है वो पूरा नीचे तक 1.5 इंच प्लस करके लगा देने हैं और यहाँ पर भी ये जो एक मार्किंग है वो स्ट्रेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये वाला जो बैक साइड है वो थोड़ा सा अलग तरीके से कटिंग होता है, तो ये इसमें हमने सारा का सारा वही हिसाब से ये जो वीडियो है वो हमने बनाया था आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये जो भाग है बैक साइड वो यहाँ पर इस तरीके से इतना बड़ा होता है। तो खास करके आसन का जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा होगा और साइड में भी थोड़ा सा बड़ा होगा ताकि कहीं पे भी बैठने उठने में दिक्कत नहीं हो और परफेक्टली यह जो पेंट है उसका फिटिंग बैठ जाए। तो ये जो कटिंग है वो हमने कर लिया है। तो आप देख सकते हैं आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट में बहुत सारा अंतर है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो लेडीज़ पैंट का परफेक्टली इसका फिटिंग जो है वो बैठेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।